सौर मासर प्रथम दिन को संक्रांति कहुए। सौर कहिले सूर्य को बुझा जाए। सूर्य गोटे राशि अन्य गोटे राशि को प्रवेश करिवार प्रथम दिन को संक्रांति कहुए। यह गोटे पुण्य दिन अटे। यार कौन सी निर्दिष्ट तिथि ना जेकोसी तिथि ओ पक्ष पड़पे। ए वर्ष 2023 मसीहा मीन संक्रांति चैत्र कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि पड़ू। सौर मास गणना हिसाब से वैशाख मेष मास ठारु चैत्र मीन मास पर्यंत 12 मास। यही चैत्र मीन मास वर्षर शेष अंतिम मास। यही मासर शेष दिन को वर्षांत मध्य कहसरे भगवान विष्णु तांकर प्रथम अवतार मत्स्य अवतार ग्रहण करिथिले। तेणु यही मासरे मत्स्य अवतार जयंती पड़ी थाए। मत्स्यर अन्य नाम मीन। यही मासटी को मध्य मीन मास कहुए। यही मासटी को खर मास मल मास एवं ओडिया भाषा रे अंडीरा मास मध्य कहुए। यही मासरे विवाह कर्म को वर्जित करा जाए। यही दिन ठारु सौर मते चैत्र मास आरंभ है। शास्त्र अनुसार संक्रांति रे पवित्र नदी रे स्नान कले ब्रह्मलोक प्राप्ति होता है। देवी पुराण अनुसार जो व्यक्ति संक्रांति दिन स्नान करती ना अनेक जन्म पर्यंत दरिद्र रही था। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चैत्र मीन मास शक्ति एवं विष्णु पूजन साधन पाई उपयुक्त अटे। यही समय रे माछ मानंकु दाना खुआइबाकु देले पुण्य मिलितो। सूर्य बृहस्पति गृह मीन राशि गोचर समय रे तंभा किंबा पीतल लोटारे जल नहीं सेथिरे हलदी ओ हलदिया फूल सहित सूर्य को अर्घ्य देले सूर्यदेवों सह गुरुग्रह मध्य संतुष्ट होता। ए वर्ष 2023 मसीहा मार्च 15 तारीख बुधवार दिन चैत्र संक्रांति पालन करा जाउथिबार ए संक्रांतिर नाम मंदाकिनी संवत्सर नाम अनल मासाधिपति चंद्र। चंद्र जोगु नदी संचार समवृष्टिपात शस्य वृद्धि हेबो। चैत्र मासर पालकपति शुक्र होइथिबारु देश सुस्थ रहिबो। कृषिजात पदार्थर मूल्य वृद्धि घटिबो। ए मासरे नित्य व्यवहार्य द्रव्यर मूल्य सम रहिबो। जलजात पदार्थर उत्पादन ह्रास पाइबो। सोनादि धातुर मूल्य वृद्धि घटिबो। कृषिजात पदार्थर मूल्य सम रहिबो। ए मासरे जात व्यक्ति विनयी सुवेशधारी भोग विलासी सत्कर्मनिष्ठ देव देवी सेवानुरक्त तथा भक्ति भावापन्न हुंती। ए मासरे कन्या प्रथम रजवती हेले मदोन्मादिनी हुए। ए मासरे नूतन गृहारंभ कले आकस्मिक भय सृष्टि होइथाय। भिडियोटी किपरि लागिला कमेंट करी जणाइबे। भल लागिथिले गोटिए लाइक करिबा सह शेयर करी अन्य मानंकु जणाइबे। एहा सहित एही चैनल रे नुवा करी भिडियो देखुथिले सब्सक्राइब करिनेबे। एही परी भिडियो आगुकु देखिबा पाइ। ओम दधिबामनाय।